पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में अल्फा ट्रायोन के दिए 4 कोऑर्डिनेट्स अभी तक एनक्रिप्टेड हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि हर एक कोऑर्डिनेट पर हमें एक ओमेगा की तो जरूर मिलेगी। ले गया। ऑप्टिमस ने मेरे हाथों से हूबहू यही रेलिक छीना था, फिर तो ये जरूर काम की ही चीज होगी। अल्फा ट्रायन ने कहा था कि साइबरट्रॉन को जिंदा करने के लिए हमें चारों कीज की जरूरत है। एक तो हमें मिल गई है, बाकियों को मेगाट्रॉन से छीनने का रास्ता ढूंढना होगा। आखिरी एंट्री डिकोड हो गई। ये कोऑर्डिनेट्स एक तस्वीर बना रहे हैं। स्मोक स्क्रीन प्राइम का नया साथी आयाकॉन का आखिरी रेलिक है। नहीं! चलो जाग जाओ। क्या? अगर तुम अपना फेज शिफ्टर ढूंढ रहे हो तो वो यहाँ मेरे पास है। बातें बंद करो नॉकआउट, मुझे आखिरी आयाकॉन रेलिक चाहिए अभी। मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पास एक भी रेलिक नहीं है। साउंड वेव। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, आयाकॉन डेटाबेस डिकोड करना सिर्फ ऑप्टिमस प्राइम को ही आता है। गलत फहमी में तो तुम हो। हम आखिरी एंट्री डिकोड कर चुके हैं और उसके मुताबिक मुझे आखिरी रेलिक तुम ही दे सकते हो। सवाल ये है कि तुमने उस रेलिक को कहाँ रखा है? वाह, खजाना अंदर छुपा है। शायद स्मोक स्क्रीन डिसेप्टिकॉन की वॉरशिप पर पहुंच गया है, इसलिए उसके सिग्नल को ट्रैक करना मुमकिन नहीं है। सारी फ्रीक्वेंसीज को तलाशना जारी रखो रैशेट, स्मोक स्क्रीन के अलावा भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। मैं समझा नहीं, स्मोक ओमेगा की कैसे हो सकता है? शायद वो की ना हो बल्कि उसका कंटेनर हो। बाकी रेलिक्स को धरती पर पॉड्स में भेजा गया था, फिर की उसमें क्यों रखी? जब डिसेप्टिकॉन्स ने आयाकॉन पर हमला किया था तब शायद अल्फा ट्रायोन के पास उसे स्पेस में भेजने का वक्त ना मिला हो, इसीलिए उसमें छुपा दिया हो। और स्मोक स्क्रीन मानता है कि उसके बेहोश होने के पीछे डिसेप्टिकॉन का हाथ था। लेकिन असल में अल्फा ट्रायोन ने ही उसे उस पॉड में बेहोश किया था। मेरे गुरु ने शायद ये बात स्मोक स्क्रीन को नहीं बताई ताकि पकड़े जाने पर भी वो की एक राज ही रहे। और क्योंकि रेलिक उसके अंदर है, अल्फा ट्रायोन हमें उसका फिक्स्ड कोऑर्डिनेट नहीं दे पाए। तभी उन्होंने उसकी तस्वीर के जरिए हमें एक इशारा दिया था। डिसेप्टिकॉन स्मोक स्क्रीन को इसलिए ले गए क्योंकि वो भी उस इशारे को समझ गए होंगे। एक और वैसा ही दिखने वाला रेलिक, उसे जल्दी निकालो। अभी लीजिए, मैं ऐसे पलों को अंजाम देने के लिए ही तो जीता हूं। क्यों डर गए क्या? आर पार, क्या बात है, इसे चलाने के बाद भी मेरे पैर शिप के फ्लोर के आर पार नहीं गए। मैंने कहा जल्दी। अपने हाथ मेरे गियर से दूर रखो।
ये लो, मिल गया। बताओ मुझे ये रेलिक्स किस काम आते हैं? अगर इतनी अक्ल होती तो इस वक्त यहाँ नहीं होता मैं, समझ गए? अफसोस, इस शिफ्टर के जरिए मैं इसके सिर में हाथ डालकर उस जानकारी को बाहर तक नहीं निकाल सकता। किस्मत से मेरा एक डिवाइस ऐसा कर सकता है। जब तक चारों ओमेगा कीज नहीं मिलती ये किसी काम की नहीं, लेकिन फिर भी इस एक की के जरिए मैं किसी से भी सौदेबाजी कर सकता हूँ, भले ही डिसेप्टिकॉन्स हो या ऑटोबॉट्स। लेकिन अगर बाकी तीन भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैं साइबरट्रॉन को जिंदा करके उसके सिंहासन पर बैठकर राज करूंगा, इकलौता शहंशाह और तबाही का बादशाह। लेकिन मेगाट्रॉन की तरह इतनी बड़ी हुकूमत चलाने के लिए मेरे पास सही साधन नहीं है, ना वॉरशिप है ना ही फौज। मेरे पास सिर्फ ये छोटी सी लैब है, एक ग्राउंड ब्रिज रिमोट कंट्रोल है, सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ रेड एनर्जॉन और एक पुराना दोस्त। इसलिए मैं खुशी खुशी इसका सौदा करके अपनी खोई हुई ताकत को वापस हासिल कर लूंगा। वैसे तो मैं ओमेगा कीज की असली ताकत से अनजान हूं, लेकिन अल्फा ट्रायोन कई राज जानते थे और हमारे पूर्वजों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिस तक आज का मॉडर्न साइंस पहुंच भी नहीं सकता। वो ये कैसे करेंगे पता नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि साइबरट्रॉन को दोबारा बसाने के लिए हमें ओमेगा कीज की जरूरत है। हमारी अपनी दुनिया का भविष्य भी इसी पर टिका है। काम हो गया। साइबरट्रॉन तभी जिंदा होगा जब मैं चाहूंगा। मैं बाकी की दो कीज ऑप्टिमस के बेजान हाथों से छीन लूंगा। हमें ऑटोबॉट्स के बेस का पता लगाना होगा। स्मोक स्क्रीन के दिमाग में जाकर उनके ठिकाने का पता लगाओ। मैं और कौन? तुम्हें लगता है मैं इस की को दूसरी की के साथ वॉल्ट में रखने का जरूरी काम तुम्हें सौंपूंगा? एक बार फिर दिमाग की सैर करते हैं। नहीं, फिर से नहीं, मेरा सर फट जाएगा। बेकार की कोशिश मत करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। अपनी खैर मनाओ। तुमने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है। ये शिप इस वक्त आसमान में है और डिसेप्टिकॉन से भरी हुई है। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगे? यहाँ से भागना कौन चाहता है? Yeah!
निकलने का रास्ता नहीं। अफसोस, तुम उड़ने के काबिल नहीं हो। उड़ नहीं सकता लेकिन कूद तो सकता हूं ना। स्मोक स्क्रीन का सिग्नल ऑनलाइन आ गया है। वो वॉरशिप से भाग निकला। स्मोक स्क्रीन टू बेस, मुझे ग्राउंड ब्रिज की सख्त जरूरत है। ओमेगा कीज लेकर आओ, जल्दी लाओ। जल्दी उड़कर जाओ। कोऑर्डिनेट सेट कर रहा हूँ। अजीब बात है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? स्मोक स्क्रीन की पोजीशन मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं उसे लॉक नहीं कर पा रहा। मैं इसकी वजह समझ गया। स्मोक स्क्रीन नीचे गिर रहा है। स्मोक स्क्रीन, मैं ठीक तुम्हारे नीचे ग्राउंड ब्रिज खोल रहा हूँ। सब तैयार हो जाओ, मेरी एंट्री धमाकेदार होगी। उसने राह बदल दी। अब क्या करें? दूसरा ब्रिज खोलो जल्दी। ग्राउंड ब्रिज अब तक खुला क्यों नहीं? उम्मीद करता हूं कि ये मुझे असली जमीन के आर पार ले जाएगा। मलबे की तलाशी लो, मुझे वो कीज चाहिए। हे राचिट, मुझे फिर से ग्राउंड ब्रिज की सख्त जरूरत है। मैंने कहा था ना, तकदीर। अल्फा ट्रायन जानते थे ये मेरे पास सुरक्षित रहेगी। तुमने अच्छा काम किया। मेगाट्रॉन के वॉल्ट में सिर्फ एक ही की थी। यानी अब हमारे पास तीन कीज हैं। मतलब चौथी की अब भी उनकी वॉरशिप पर होगी। हो सकता है वो की मेगाट्रॉन को मिली ही ना हो। एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसके साथ एक संदेश भी है। स्टार स्क्रीम। मेरे पास तुम्हारे मतलब की एक चीज है और ये मेरे किसी भी काम नहीं आने वाली। जरूर ओमेगा की ही होगी। उसी ने मुझ पर वार किया था। की के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। एक मिनट रुको, और भी कुछ है। तुम अपने साथ मेडिकल किट भी लेकर आना ताकि तुम मेरे टी कॉक को दोबारा मुझ में डाल सको।
हमें बेवकूफ समझता है जो हम ऐसा करेंगे। अगर वो की नहीं मिली तो हम साइबरट्रॉन को जिंदा नहीं कर पाएंगे। घिसी पिटी बात है, पर हो सकता है ये उसकी चाल हो। हो सकता है कि स्टारस्क्रीम उस की असली ताकत के बारे में कुछ नहीं जानता। और हम ये भी जानते हैं कि उसे उड़ने के लिए टी कॉक की जरूरत पड़ेगी। अगर इसमें खतरा है तो उस की खातिर हमें यह खतरा मोल लेना पड़ेगा, लेकिन हमें होशियारी से काम लेना होगा। वो देखो स्टारस्क्रीम, हमें ओमेगा की दिखाओ। चलो दिखाओ स्क्रीम। देर हो गई, अब तो टी कॉक भी इसके किसी काम का नहीं। अब मैं यहां जो चाहे कर सकता हूं। चाहो तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूं। सभी को एक साथ मार दो, पर मुझे कुछ और चाहिए। ऑप्टिमस ने उन कीज को कहां रखा होगा? यहां नहीं है। नहीं ना, अब पता चला तुम आजकल बाहर क्यों नहीं दिखाई देती। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यहां पर है। ये क्या? लगता है स्टारस्क्रीम को गुजरे हुए काफी वक्त हो चुका है। ये कैसे मुमकिन है? उसने अभी तो संदेश भेजा था। हमें धोखा दिया गया है। और से ग्राउंड ब्रिज बंद करो इसी वक्त। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब मैं आराम से तुम सबको मारने जाना होगा। मेरे पास वक्त बहुत ही कम है। बॉक्स चौकन्ने रहना, हमारा दुश्मन बहुत शातिर है। माफ करना, क्या कहा तुमने? तुम ऑटोबॉट्स खुद को बहुत चालाक समझते हो ना, लेकिन तुम जानते हो तुम क्या हो? स्लो हो। रेड एनर्जॉन की ताकत खत्म हो गई। इसके पास ओमेगा कीज हैं। क्या? खुल जा। आ!
हम उन्हें हासिल कर लेंगे। स्टार स्क्रीम अब जंगलों की खाक छानता रहता है, वो ओमेगा कीज उसके किसी भी काम की नहीं। हम उसे किसी चीज का लालच देकर उसका सौदा कर लेंगे। साइबरट्रॉन की किस्मत अब स्टार स्क्रीम के हाथों में है। अब कुछ भी हो सकता है। मैं भीख मांगता हूं, मुझे इस अजीब सी हालत से बाहर निकालिए। नहीं, तुम्हें निकाल दिया तो हर कोई बेखौफ होकर गलतियां करता रहेगा। मैं ऑप्टिमस प्राइम को साइबरट्रॉन को जिंदा करते नहीं देख सकता। हम उनके बेस का पता लगाएंगे, दावा बोलेंगे और कीज हासिल करेंगे। वो तो पहले ही कर चुका हूं। बिन बुलाए यहां आने के लिए मैं माफी चाहता हूं लॉर्ड मेगाट्रॉन। लेकिन मैं सारे किले शिकवे दूर करने आया हूं।